फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफाजत में अपने अपने घरों में होंगे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं वीडियो में बनाऊंगी आज बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सिंपल सा पास्ता और साथ में बनाएंगे चिकन स्टेक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास मैक्रोनी पास्ता है, मैंने एक पैकेट ले लिया। इसको हम डालेंगे सिंपली पानी में। चूल्हा मैंने जलाया और पैन में मैंने डाला है पानी। इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल सिंपली। अभी हमने और इसमें अब कुछ भी नहीं ऐड करना, इसको हम पकने देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में हमारा ये पास्ता इंशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अपने स्टेक की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन, मेरे पास ये चिकन 8 ब्रेस्ट पीस है पूरा। इसको मैं यहाँ पर कट करूँगी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हम फिले बनाएंगे बहुत अच्छे से, इतने ही होने चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होने चाहिए, बस इस साइज़ के। ये देखें, ये 3 फिले हैं मेरे पास। इसकी हम करेंगे बहुत अच्छी सी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए सॉल्ट 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली। मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मेरे पास है गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर नहीं है तो आप फ्रेश वाला गार्लिक उसको पीस के वो गार्लिक पेस्ट बना के वो शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून डालूँगी ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून डालूंगी वाइट पेपर। मैं इसमें शामिल करूंगी विनेगर 2 स्पून के जितना, विनेगर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के जितना। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के जितना। हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के जितनी चिली सॉस। मज़ेदार से अपने हम फिले रेडी करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत केचप डालेंगे इसमें, हम चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितनी। इसको हम मज़ेदार से रेडी करेंगे, बहुत मज़े का बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। हम ये अपने पास्ता के साथ सर्व करेंगे, इसलिए हमने बस इसमें यही वाले मसाले डालने हैं और हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना। ये देखें, ये बहुत अच्छे से कोट हो गए इस मसाले में। चलिए इसको हम रख लेते हैं, इसको हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट्स तक ये बहुत अच्छा सा सारा मसाला इस चिकन के अंदर जज्ब हो जाएगा और फिर हम अपनी इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। चिकन को तो हमने मैरिनेट करके रख दिया है और हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी वाइट सॉस। पास्ता हमारा यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो चलिए हम क्रीम वाइट सॉस रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें बिल्कुल भी बटर के साथ नहीं बनाऊंगी, मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल शामिल किया है, ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी। मेरे पास पाउडर था गार्लिक पाउडर, आपको फिर बताती चलूँ। नहीं है आपके पास तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को बनाएं, लेकिन आप साथ में गार्लिक डाल लें फ्रेश वाला। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी वाइट फ्लावर की मैदे की। इसको करेंगे अच्छे से कुक। चलिए ये देखेंगे हमारा ऑयल और वाइट फ्लावर और गार्लिक पाउडर बड़े अच्छे से हो जाएगा रोस्ट। इसको बड़ा अच्छा सा रोस्ट करेंगे और फिर इसमें मिल्क डालेंगे और बाकी की चीज़ें शामिल करके इसको हम मज़ेदार सा रेडी करेंगे वाइट सॉस को। इसको कुक होने देते हैं 2 मिनट के लिए। चलेंगे मैदा हमारा रोस्ट हो गया, इसमें हम मिल्क डाल देते हैं।
अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी से, कोई भी लम्स नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। चलिए व्यूअर्स देखिए हमारी यहाँ पे सॉस बनके रेडी हो रही है। इसमें हम शामिल कर देते हैं 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, हम इसमें शामिल करेंगे कुट्टी मिर्च, बहुत कम सी, थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसे कुक होने देंगे। देखिए वाइट सॉस हमारी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चीज़, में मेरे पास यहाँ पे चेडर चीज़ है, मोज़रेला नहीं है, मैंने चेडर चीज़ शामिल किया है इसमें यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, टेस्ट चाहिए, फ्लेवर चाहिए, फ्लेवर के लिए ऐड किया मैंने इसमें इसको। अच्छी सी सॉस बनाएंगे, मज़ेदार सी। हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगैनो, बहुत अच्छी सी हमारी सॉस बन गई। ये देखिए वाइट सॉस हमारी हो गई डन, इसको हम उतार लेते हैं, ये डन है बिल्कुल। चलें अब हम रेडी कर लेते हैं अपने स्टेक्स। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, अपने पैन में डाले और इस पैन में हम डालेंगे स्टेक्स। बिस्मिल्लाह। चलिए देखें इसको हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये स्टेक हमारे रेडी हो रहे हैं। इसे 10 मिनट्स के लिए भी हम पकने देते हैं, ये 10 मिनट्स में बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले इसको इस चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी कर लेते हैं रेडी मैक्रोनी पास्ता को। हम इस सॉस में शामिल करेंगे पास्ता, मैक्रोनी पास्ता। जब तक हमारे चिकन स्टेक बन के रेडी हो रहे हैं हम इसमें अपना पास्ता ऐड करते हैं और इसको मज़ेदार से रेडी कर लेते हैं वाइट सॉस पास्ता को। ये देखेंगे यम्मी सा हमारा पास्ता रेडी हो गया, क्रीमी, और हमारा चिकन स्टेक रेडी होता है तो फिर हम इसको सर्व करके आपको सर्विंग डिश पे दिखाते हैं। चलिए व्यूअर्स देखिए हमारा मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता बनके रेडी हो गया। चिकन स्टेक बनाया मैंने साथ, लाइट सा डिनर है, बहुत मज़े का है, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आता है,
ज़रूर बनाइएगा। अगर पसंद आए रेसिपी तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने प्यारों के साथ। चले, अल्लाह हाफिज़।